अब खबर शिवपुरी जिले से है, जहां सुभाषपुरा पुलिस ने शिवपुरी में हुई दो लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात आरोपी सूरज पारदी को गिरफ्तार करने में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि सुभाषपुरा पुलिस ने सूरज पारदी को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से एक 315 बोर का लोडेड देशी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस एवं 27,500 रुपए नगद मिले। वहीं बता दें कि पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अन्य साथियों के साथ दोनों चोरी एवं लूट की घटनाओं को अंजाम देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सनसनीखेज जिसमें डकैती करना भी स्वीकारा, जिसमें आरोपी ने अपने साथियों के साथ 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 7 लाख रुपए नगद एवं एक लाइसेंसी रिवॉल्वर की लूट कर फरार हो गया था। कानपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बता दें कि आरोपी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में कुल 22 अपराध दर्ज है। सूरज पारदी को हमने गिरफ्तार किया है। इस पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में जून 2023 में इत्र व्यापारी है विमलेश तिवारी, उनके यहाँ घर पे बहुत बड़ी डकैती डली थी, 9-10 डकैत थे। वो लोग 50 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर और उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर और लगभग 8 लाख रुपए नकद ये ले गए थे। उसमें कुछ गिरफ्तारियां वहाँ की पुलिस ने कर ली थी। इस सिटी कोतवाली कन्नौज की घटना थी और लेकिन जो मास्टरमाइंड था सूरज पारदी वो लंबे समय से यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। हमारे यहाँ भी ये घटना 24 और 25 जून 2024 के दरमियानी रात को घटी थी। आलोक भारद्वाज हैं, ये काम करते हैं, BWD के कंस्ट्रक्टर हैं। ये लौट रहे थे भोपाल से तो लगभग 2-2.5 बजे इनकी गाड़ी पंचर की गई सुभाषपुरा हाईवे पे और 4 बदमाशों ने इनके 1 लाख रुपए, 2 अंगूठी और 1 चेन लूट ली। उसी रात एक और घटना चोरी की साकड़े के हनुमान मंदिर में हुई थी। तो हम लोग हमारी घटना को भी ट्रेस कर रहे थे और यूपी पुलिस से भी हमें एक लेटर पहले से आया हुआ था। हमने अपने मुखबिर लगा रखे थे, तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया। आज सूचना मिली कि एक ऐसा बदमाश है जो संभावित हो सकता है इस घटना के अंदर और वो क्षेत्र में घूम रहा है। जब सुभाषपुरा टीम ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा तो उसका नाम सूरज पारदी निकला। उसने घटना करना स्वीकार किया हमारे यहाँ की भी, उससे कट्टा भी बरामद हुआ है और यूपी पुलिस यही सूरज पारदी है, पिता का नाम अनारत पारदी है।